जय महाकाल मेरे प्रिय साधक और मित्रों मैंने इसके पहले आपको आसन बांधने का मंत्र दिया था अब मैं आपको आसन खोलने का मंत्र दे रहा हूँ जब आप कोई भी साधना या जप करने बैठते हो तब आसन को कीलर यानी बांधना ज़रूरी है और साधना या जब पूरा होने के बाद साधन का कीलन खोलना या उसका बंधन खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा ना करने से आपकी साधना खंडित भी हो सकती है इसीलिए आसन बांधना और आसन खोलना ये दोनों कर्म आपको आने चाहिए तो आज का ये जो बंगाली मंत्र है आसन खोलने का इसका मैं आपको क्रिया बता देता हूँ कि आप आसन कैसे खुलेंगे सबसे पहली बात जैसे मैंने आसन बांधने का आपको मंत्र बताया था वो भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र था और ये भी आसन खुलने का जो मंत्र है यह भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है इसे आपको जप करने की या सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है इसे बता बस आप लोग कंठस्थ कर लो अच्छे से याद कर लो ये काम करेगा और इस जब आप आपका जप हो जाए साधना हो जाए तब आप क्या करें कि थोड़ी सी मिट्टी ज़मीन में अगर आप बाहर साधना कर रहे हो थोड़ी सी मिट्टी उठा ले और तीन बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आपकी जो आसन है आसन पे छिड़क दे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उसके बाद ही आसन को उठाए अगर आप घर में अगर पूजा पाठ कर रहे हो और मिट्टी नहीं है तो थोड़ा सा पानी लेकर भी आप आसन के ऊपर ये मंत्र तीन बार पढ़ के छिड़क दोगे तो भी आपका जो आसन है उसका बंधन खुल जाएगा ठीक है मित्रों इसके बाद में मैं आपको और कुछ बेहतरीन साधनाओं के बारे में बताने वाला हूँ फिलहाल कैसा है बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है मैं साधनाओं को अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक ज्ञान हो छोटी 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 जो बातें हैं ये सब बातें अगर आप नहीं समझोगे तो आप सफल सफलतांत्रिक नहीं बन पाओगे अगर आपको आसन बांधना ना आता हो अगर आपको आस अगर आपको आसन खोलना ना आता हो तो आप कैसे बनेंगे साधक बताइए जो आप साधना करोगे अगर उसका फल ही आपको नहीं मिलेगा तो आप कैसे साधक बन पाओगे आपको कैसे आपके साधना का फल मिलेगा है ना तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये साधनाओं में विघ्न डालते हैं नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है और याद रखें मित्रों ये गुरु द्वारा लिया गया मंत्र है ये आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलने वाला और स्वयं सिद्ध मंत्र है बाक़ी शाबर मंत्र वगैरह आप लोगे किसी को एक हज़ार आठ जप है किसी को एक सौ आठ जप है इसमें आपको जप नहीं करना है छोटी सी बात है साधक को अगर आप समझ सके अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन मजबूत करते हैं तो आप साधना करने से पहले एक साधक बनना चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा जो बेसिक मंत्र है बेसिक ज्ञान है उसको मजबूत करो तभी आप साधक बन पाएंगे नहीं तो कहीं भी पछाड़ खा के गिर जाएंगे याद रखें मेरी बात